भारत में खिलाड़ियों पर दबाव है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ण जीतें। चीन को उलझन है कि 2008 की सफलता को बरकरार कैसे रखा जाए। वहीं अमेरिका और रूस के कहने की क्या है, लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी है कि ओलंपिक में खेल रहे ऐसे 80 देश हैं जिनका नसीब कम से कम ओलंपिक के मैदान पर आज तक रूठा है और इन देशों में एक भी पदक हासिल नहीं हो पाया है। चलते चलते ये रिपोर्ट। मोनाको अब तक 18 बार और म्यांमार 15 बार ओलंपिक में भाग ले चुका है, लेकिन ये दोनों लंदन ओलंपिक में भाग ले रहे उन 80 देशों में शामिल हैं जिन्हें इस खेल महाकुंभ में अब भी अपने पहले पदक का इंतजार है। लंदन ओलंपिक में कुल 205 देश भाग लेंगे। इनमें से अधिकतर देशों ने कभी न कभी अपने नाम पर पदक लिखवाए हैं, लेकिन कई ऐसे देश हैं जिन्हें आज तक एक कांस्य पदक भी नसीब नहीं हुआ है। और ताज्जुब की बात यह है कि इनमें 16 ऐसे देश शामिल हैं जिन्होंने 10 या इससे अधिक ओलंपिक खेलों में भाग लेने के बावजूद कभी पदक नहीं जीता। फ्रांस से तीन तरफ से घिरा छोटा सा देश मोनाको 18 बार ओलंपिक में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है, लेकिन उसके खिलाड़ी कभी पोडियम तक नहीं पहुँचे। म्यांमार 15 बार, माल्टा 14 बार तथा बोलीविया, फिजी, ग्वाटेमाला और सैन मैरिनो 12-12 बार ओलंपिक में भाग लेने के बावजूद कभी पदक नहीं जीत पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लंबे समय तक सिर्फ शीत युद्ध ही नहीं चला, बल्कि ओलंपिक में भी उनके बीच कड़ा मुकाबला हुआ। अमेरिका अब तक कुल 2,297 मेडल अपने नाम कर चुका है, जिसमें 930 गोल्ड मेडल हैं। सोवियत संघ ने ओलंपिक में 395 स्वर्ण पदक सहित 1,010 पदक जीते। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस अब तक 4 ओलंपिक में शिरकत कर चुका है, जिनमें उसने 317 पदक हासिल किए, जिनमें 108 स्वर्ण पदक शामिल हैं। ओलंपिक का मेजबान ब्रिटेन सर्वकालिक ओलंपिक पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है। उसने अब तक सर्वाधिक 26 ओलंपिक में भाग लिया है और उनमें 207 स्वर्ण पदक सहित 715 पदक जीते हैं। उसके बाद फ्रांस 636 पदक और इटली 522 पदक का नंबर आता है। इन दोनों के नाम पर 191 स्वर्ण पदक दर्ज हैं। जर्मनी और चीन दोनों ने समान 163 स्वर्ण पदक जीते हैं। इनके नाम पर क्रमशः 530 और 385 पदक दर्ज हैं। चीन ने अब तक केवल 8 ओलंपिक में भाग लिया है, लेकिन अब वो अमेरिका की बादशाहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ओलंपिक में हंगरी का भी दबदबा रहता था। उसने 24 ओलंपिक में 459 पदक जीते हैं, जिनमें 159 स्वर्ण शामिल हैं। ऐसे में भारत के 20 पदक खुश रहने के लिए बहुत लगते हैं। और राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के बाद भारत ने लंदन में और भी बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है। तैराकी में अमेरिकी खिलाड़ियों की बात करें तो अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स ने अब तक ओलंपिक में सर्वाधिक 14 स्वर्ण पदक जीते हैं। फेल्प्स इस बार इसमें और इजाफा करना चाहेंगे। सोवियत संघ की जिमनास्ट लारिसा लेटिना के नाम पर 9 स्वर्ण पदक सहित 18 पदक दर्ज हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, जेएनएन न्यूज। तो चलो नंदन में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहें जेएनएन न्यूज।